वेलकम बैक। आज मैं हूँ आशुतोष और आप देख रहे हैं हमारा ये ब्लॉग चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप बजाज प्लाटिना का पीछे का शॉकर अगर आप चेंज करवाते हैं तो आपको इसमें कितना खर्चा आएगा, कितना का शॉकर आएगा, और अगर आप कहीं पे मैकेनिक के पास जाके अगर चेंज करवाते हैं तो वो कितना चार्ज लेगा, या अगर आप उसको घर पर चेंज अपना से खुद करना चाहते हैं तो उसमें आप कैसे कर सकते हैं उसको चेंज। तो यही सब इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, और ये बताने वाले हैं कि आपको शॉकर क्यों चेंज करवाना चाहिए, और अगर आपका शॉकर एक ठो ख़राब हो गया है और उसको आप चेंज नहीं करवाते हैं तो आपके बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये बताने वाले हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। सबसे पहले दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके बाइक का एक ठो शॉकर अगर ख़राब हो गया, यानी ऑयल लीकेज होने लगा एक ठो शॉकर में से, और अगर आप उसको चेंज नहीं करवाते हैं, लंबे दिनों तक आप चलते रहते हैं, दो आदमी या तीन आदमी अगर आप चढ़ते रहते हैं बाइक पर या आप जर्किन में जाते रहते हैं, तो इससे प्रॉब्लम ये होता है कि आपके बाइक का जो चेचिस है वो टेढ़ा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, और ये जो बाइक का जो अलाइनमेंट होता है ये पिछले चक्का का यहाँ से यहाँ पे मोटर कार्ड के, यानी अगर आप देखते हैं सामने तो आपको ना ये चक्का इसमें आपको सीधा नहीं लगेगा बाइक में, तो ये प्रॉब्लम होने लगता है। इसीलिए अगर आपके बाइक का एक ठो शॉकर अगर ख़राब हो गया तो आपको दोनों शॉकर चेंज करवाना आपके लिए अच्छा रहेगा, और अगर आप शॉकर को पिछला शॉकर को अगर आप रिपेयर करवाते हैं तो वो उतना सक्सेसफुल नहीं होता है। अगला शॉकर अगर आपके बाइक का ख़राब हो गया तो आप उसको रिपेयर करवा सकते हैं, ऑयल लीकेज होने लगा तो उसको आप रिपेयर करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप पिछला चेंज करवाते हैं, पिछला को रिपेयर करवाते हैं तो वो अच्छा नहीं रहता है, आपको उसको चेंज ही करवा लेना अच्छा रहता है आपके लिए। तो अब हम जानते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मेरा जो ये शॉकर है दोनों हमने चेंज करवाया है, दोनों साइड का शॉकर हमने चेंज करवाया है, और इसको चेंज करवाने का रीज़न जो था वो ये है कि मेरे बाइक का एक साइड का शॉकर जो है वो लीकेज करने लगा था, उसमें से लीकेज होने लगा था, और हमको पता नहीं था कि वो लीकेज कर रहा है, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया था, जिसके कारण हुआ था कि मेरे बाइक का जो पीछे वाला जो ये चेचिस का भाग है वो टेढ़ा हो गया था, क्योंकि हम लोग तीन आदमी चढ़ के जाते थे और गांव का जो रास्ता होता है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा जर्किन होता था रास्ते में, जिसके कारण जो मेरे बाइक का ये पीछे वाला जो चेचिस है वो टेढ़ा हो गया था। तो इसके वजह से हमको बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, और अभी हमने चेचिस को भी सीधा करवाया है, उसका वीडियो आएगा आगे यूट्यूब चैनल पर, हम बताएँगे आपको कि हमने उसको चेचिस को कैसे सीधा करवाया। तो प्रॉब्लम यही था कि एक तो ये शॉकर ख़राब था, जिसके कारण हमको दोनों शॉकर को चेंज करवाना पड़ा और उसको चेचिस को भी सीधा करवाना पड़ा। अगर आप चेचिस नहीं सीधा करवाते, अगर आपके बाइक में अगर इस तरह का प्रॉब्लम होता है और अगर आप चेचिस नहीं सीधा करवाते हैं और सिर्फ आप अगर आप शॉकर चेंज करवा लेते हैं तो शॉकर आपका फिर से ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो सीधे नहीं ऊपर नीचे होगा, जिसके कारण ये चेचिस टेढ़ा होने के कारण आपके जो बाइक का शॉकर है वो इस तरह से अप डाउन करेगा, जिसके कारण वो भी शॉकर नया शॉकर भी एक दो महीना के बाद आपका ख़राब हो जाएगा। तो यही रहता है कि आपको पहले चेचिस सीधा करवा लेना है अगर आपके बाइक में इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है तो, उसके बाद आपको शॉकर नया लगवाना है। तो अब बात करते हैं कि नया शॉकर कितने का आता है। अगर आप बजाज जेन्यून का ये शॉकर ले लीजिएगा नया प्लाटिना के लिए, तो ये आपको 1800 के करीब आएगा, दोनों आएगा, एक ठो 900 में आएगा और दोनों मिला के 1800 के करीब आएगा, और इसमें हमने इंडोरेंस का शॉकर लगवाया है। उससे पहले वाला जो शॉकर था वो गाड़ी के साथ ही आया था, वो भी इंडोरेंस का था, और इसमें हमने इंडोरेंस का लगवाया है, जिसका जो MRP था बॉक्स पे वो 767 रुपया था, लेकिन ये हमको पड़ा था एक ठो 700 में, दोनों मिला के हमको 1400 में पड़ा, और इसको जो मैकेनिक चेंज किया वो हमसे 50 रुपया लिया, और इसको चेंज करना बहुत ही आसान है, इसको चेंज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें शॉकर चेंज करने में खुद से कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ये जो पैनल है यहाँ पे ये प्लास्टिक वाला, सबसे पहले तो आपको ये जो सीट है ऊपर का इसको आपको खोल लेना है, उसके बाद यहाँ पर एक ठो नट रहता है, यहाँ पर एक ठो पेचकस यानी वो प्लस टाइप का नट रहता है, उसको आपको खोल लेना है। उसके बाद इस शॉकर में दो ठो नट, एक ठो तो यहाँ नीचे से लगा हुआ है, एक ठो ऊपर से, तो इस दोनों को खोल के आप आसानी से शॉकर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों आप 1450 में शॉकर को आप चेंज करवा सकते हैं कहीं पे। हो सकता हो मैकेनिक आपसे 50 से 100 रुपया ले लें, क्योंकि मेरे जान पहचान का था, उसके पास हमने ये चेचिस भी सीधा करवाया था, इसलिए वो हमसे 50 रुपया लिया। अगर आपके जान पहचान का नहीं है तो वही 60-70-80 रुपया लेगा, और ये आपको जो ये शॉकर है ये आपको दोनों शॉकर पीछे वाला 1400 में मिल जाएगा। और अब आपको हम ये बताते हैं कि आपको कैसे पता करना है कि आपका शॉकर ख़राब हो गया है। बहुत सारे केस में ये भी होता है कि शॉकर लीकेज नहीं करते रहता है, तब पर भी शॉकर का जो फंक्शन है वो सही से नहीं काम करता है, तो वो आपको कैसे चेक करना है। अगर आप कहीं जर्किन में जाते हैं और अगर आपके बाइक का जो पीछे वाला पार्ट है वो खट खट उठता है, आवाज़ आता है उससे, तो आप समझ जाइए कि आपके बाइक का जो है शॉकर है वो ख़राब है।
तो अब उसको यानी अगर आपको लगता है कि और भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो यहाँ पे सॉकर का जो बूश होता है, यहाँ पे सॉकर जो फिट रहता है ना, वहाँ पे एक तो रबर लगा रहता है, तो वो रबर को आपको चेक कर लेना है कि वो सही है या ख़राब है। अगर ख़राब रहेगा तो वो आपको एक बार बदल के देखना है, सॉकर का बूश बोला जाता है उसको, आपको बदल के देखना है ऊपर नीचे दोनों का। अगर बदलने के बाद भी, सॉकर का बूश बदलने के बाद भी अगर आपका बैग कहीं जर्किन पे जाके खटखट सा आवाज़ आता है, तो आपको समझ लेना है कि आपके बैग का जो सॉकर है वो ख़राब हो गया है। और अगर आप बाइक पे दो तीन आदमी बैठे रहते हैं और किसी जर्किन में जाते हैं, और अगर आपका बैग लगातार ऊपर नीचे होने लगता है किसी जर्किन में जाके, तो भी आप समझ लीजिएगा आपके बाइक का जो सॉकर है वो ख़राब हो गया है। इस तरह दोस्तों आप अपने बाइक का सॉकर चेंज करवा सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों सॉकर आपको 1400 में मिल जाएगा, मिस्त्री चार्ज आपको 50 से 100 के बीच लेगा। और अगर आप खुद से भी चेंज करना चाहते हैं तो भी मैंने आपको बता दिया कि ये सीट खोल लेना है और दो ठो नट है उसको आपको खोल के सॉकर को चेंज करा लेना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, कोई सवाल सुझाव नीचे कमेंट करिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।